Someone DM'd me and said ki Abdullah bhai, you are doing a great job promoting wearing a seat belt in your vlogs. I'm thankful yaar if I am really spreading this positivity. So jazakallah for that. और आज जो है आज के इस व्लॉग में पहले हम जा रहे हैं मेरा बड़ा अच्छा बड़ा पुराना जिगरी यार हाशिर उससे मिलने कुछ काम शाम है. आई वॉन्ट टू शूट अ पॉडकास्ट इज वेल विद हिम तो वो देखते हैं क्या सीन बनता है. तो मिलते हैं हाशिर से. अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई क्या हाल है. बहुत बहुत मुबारक हो आपका. थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह. हम कैमरा भूल गए थे तो मैंने कहा फर्स्ट रिएक्शन इसी में फोन में डाल. अच्छा एक बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ 21st century में काम कैसे होते हैं. कदीर से कहो मेरा रेड बैग ले आए. कदीर से कहो मेरा रेड बैग ले आए. क्या बात है अशर भाई. यार LSE वालों ये क्या ज्यादती है यार. ये क्या ज्यादती है. आपने ये क्या मैच आपने ये क्या रखा हुआ है. आशिर भाई बताएं जरा क्या ज्यादती कर रहे हैं ये LSE वाले आपके साथ हैं. बस यार ए लेवल्स तक हंसती मुस्कुराती जिंदगी थी. अब तो ए लेवल्स वाकई जन्नत लग रही है. LSE आ गए. आइस यार आना है ब्रो. अच्छा जी पढ़ाई हो गई है. काफी ज्यादा थक गए हम लोग पढ़ पढ़ के. तो अब जो है कुछ हम बाहर जा रहे हैं कहीं पे. बस यार बस तो अब हमने कहा क्लास मिस करने पेपर्स भी करीब थे. अच्छा तो अब फिर ये डिसाइड हुआ कहाँ पे पढ़ना है. तो फिर सरेसन से मिलके ये बात हुई कि KFC चलेंगे वहाँ बैठ के पढ़ना है. चाल दे बखैर कैसे हो ठीक हो तुम लोग. मैंने तुम्हारे को बताया नहीं था तुम्हारा भाई जो है वो पिशावर से. और सुनाओ भाईन की हाल है तुम्हारा. अस्सलाम वालेकुम कैसे मजाज हैं आपके. सिंधी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता लेकिन आपका भाई जा रहा है कराची सीखने के लिए. और बलोची भी नहीं आती लेकिन वो मैं पता लगाऊंगा. एनीवेज दिस राइट नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज दैट as I uploaded a story on Instagram kuch dino pehle KZ send in photographs of yours email them to me and I will try to edit them on Lightroom on my phone because main seekh raha hu editing and Lightroom is very basic the app I have on my phone and I just wanted to practice aur aapke bhai ke paas aapke bhai ki achhi tasveerein thi nahi to maine logon se mangwa li phir uske baad kuch hua tha pata nahi kya hua tha to main thoda masroof ho gaya aur wo dal nahi saka. स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल पड़ी है. सो वी हैव अ कपल ऑफ फोटोज हेयर. सारी नहीं अपलोड हुई विच इज सरप्राइजिंग. यह शायद हो गई हैं. तो लेट्स टेक दिस फर्स्ट फोटोग्राफ राइट नाउ. तो ये पहली पिक्चर है. दिस हैज़ बीन सेंट बाय अनस वहीद एंड शाउट आउट टू अनस वहीद. तो अब हम इसको एडिट करना शुरू करते हैं. सबसे पहले वी आर गोना लुक एट द लाइटिंग. दिस पिक्चर इज रियली गुड. तो आई डोंट नो वो क्या मैं चेंजेस करूँगा बट मुझे लग रहा था कि इसका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं. ओके कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट इज़ ऑलरेडी रियली गुड लेकिन हम इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं. जब आप इसको फुल ज़्यादा करते हो तो या ओके हाइलाइट्स. हाइलाइट्स वैसे थोड़ी ज़्यादा ही हैं. मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर हम बढ़ाएँ तो क्या इफ़ेक्ट आता है. नोप आई एम नॉट गोना डू दैट. Whites, whites भी ठीक हैं. Let's keep it at like -5 I guess. -5 कर लो whites अपने. Yes, we found it. Vibrance. After we set the vibrance and I figured के थोड़ी सी saturation हम बढ़ा सकते हैं तो I took it up to 14 and then उसके बाद मैं गया detail में और यहाँ पर मैंने sharpening को 26 पे कर दिया था.
इफेक्ट्स के अंदर आई डिड नथिंग खास, टेक्सचर जीरो, क्लैरिटी 13 पे लेके गया, बाकी आई डिड नथिंग एट ऑल ओवर हियर। अब कलर पे आप जाते हो तो देर इज़ दिस कलर ग्रेडिंग ऑप्शन। अब ग्रेडिंग मुझे सही तरीके से आती नहीं है, ठीक है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस आई थिंक वी आर डन विद कलर ग्रेडिंग आवर पिक्चर। अब देखते हैं जी हाउ इट लुक्स बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, लुक एट दिस पिक्चर नाउ एंड बिफोर आफ्टर। चेक करें भाई की, चेक करें भाई की एडिटिंग। ओके, अच्छा व्लॉग तो हो गया, मैंने एक ज़रूरी बात भी करनी थी आप लोगों से। 16th December 2014, मुझे अभी भी याद है जब मैं क्वेटा में था एंड आई वॉज स्टडिंग इन इकरा आर्मी पब्लिक स्कूल क्वेटा, अनदर APS ओवर देयर। आई वॉज एट होम दैट डे जब हमें न्यूज़ पता चली कि हुआ क्या है, एंड आई ऑलवेज सेड दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल। लोग कहते हैं कि दहशत गर्द आए और उन्होंने 149 बच्चों की और स्टाफ की जान ले ली। मैं कहता हूँ नहीं, उन्होंने उनकी जान ली लेकिन उन्होंने हजारों लाखों लोगों को जीते जी मारा। दे टोक आवर लाइव्स, दोज पेरेंट्स एंड एवरी अदर स्टूडेंट इन द कंट्री। यकीन माने मैंने वो टाइम देखा था इन माई सेंसेस एंड आई नो हाउ अ चाइल्ड फेल्ट। बैक इन 2014 व्हेन इट हैपेंड आई वाज इन ग्रेड 7 एंड आई सॉ व्हाट हैपेंड। हम अगले दिन स्कूल गए तो हमें आइडिया हुआ कि ये जो पेशावर का सानिया हुआ था इसने पूरे मुल्क में एक लंबा आफ्टर इफेक्ट छोड़ा एंड दैट लास्टेड फॉर सेवरल डेज। मेरे अपने होशो हवास में मुझे ये बात याद है, व्हेन आई वेंट टू स्कूल तो आई वाज क्रॉसिंग आवर प्रिंसिपल्स ऑफिस, सर आमिर सलीम नाम था उनका, एंड देर वॉज दिस लिटिल चाइल्ड ऑफ प्रोबेबली ग्रेड 2 और 3 एंड आई वुड हैव अज्यूम्ड कि बच्चों को इस बात का पता भी नहीं होगा, उनको समझ नहीं आई होगी कि क्या हुआ है। बट दैट चाइल्ड सख सर्दी में ही वॉज क्राइंग टू द प्रिंसिपल कि मुझे डर लग रहा है, एंड द प्रिंसिपल वॉज फ्यूरियस ऑफ वॉट हैड हैपेंड। सख सर्दी थी एंड देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। हम सारे अपने एग्जामिनेशन रूम्स में थे क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, एंड द प्रिंसिपल कॉल्ड अस आउट और उन्होंने सबको असेंबली एरिया में जमा किया, सारे स्टूडेंट्स को, और मेगाफोन लेके आए और मेगाफोन में उन्होंने स्पीच की क्योंकि बिजली थी और माइक चल नहीं रहा था। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट स्पीच टू दिस डे, इट गेव मी गूज बम्प्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली इट वॉज द स्पीच दैट हेल्प्ड अस गेट थ्रू द फ्यू डेज दैट केम आफ्टर द अटैक, बिकॉज इट वॉज हॉरिबल, इट वॉज टेरिफाइंग। इवन दो आर स्कूल वॉज इन साइड 3 मेजर बाउंड्रीज, आर्मी का कैंट था, उसकी अपनी एक दीवार थी, देन देर वॉज स्टाफ कॉलेज एंड देन हमारे स्कूल की अपनी एक बाउंड्री। We were safe, but so were the ones in APS Peshawar. You can never know what's to happen. Until this day, the effects last. उन्होंने, हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि हमारे बच्चों को, हमारी अवाम को वो एजुकेशन से, तालीम से महरूम कर दें। Unfortunately, they were unsuccessful in that. उन्होंने गोदें भी उजाड़ी, उन्होंने घर भी बर्बाद किए, लेकिन उन्होंने तालीम से हमें महरूम नहीं किया, एंड दैट इज द ओनली थिंग वी हैव हेल्ड ऑन टू एवर सिंस। एंड आई रिमेंबर उस साल एंड द मंथ्स आफ्टरवर्ड्स, इट वाज टेरिफाइंग टू इवन गो टू द स्कूल। मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, हम लोग स्कूल में होते थे, क्लासेस में होते थे, वी वुड डू ड्रिल्स, हमें नहीं पता होता था कि ड्रिल होने वाली है, एंड इट वाज टेरिफाइंग व्हेन द ड्रिल्स वुड हैपन, द लॉकडाउन ड्रिल, द एस्केप ड्रिल, एवरीथिंग। और हमारे दिमागों में ऑल द टाइम वी केप्ट प्लेइंग सिनेरियोस ऑफ व्हाट इफ इज टू हैपन, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हम क्लास में सबसे पीछे वाली सीट लेते थे टू शील्ड आवरसेल्व्स इन केस समवन कम्स। क्लासरूम से अकेले बाहर निकल के ग्राउंड में जाने में भी डर लगता था। वी हर्ड के कैंटीन वाले शामिल थे जो APS पेशावर में अटैक हुआ था, तो हमें अपने कैंटीन जाते हुए भी डर लगता था, एंड दिस इज वेरी रियल। इट वॉज हॉरिबल, इट वॉज टेरिफिक। बच्चों ने क्लास में बोलना छोड़ दिया था, and to this day I look back and I see how we have progressed.
बट बात यह है कि जो लॉस हुआ था इट कैन नेवर बी फुलफिल्ड. द लॉस दैट हैपेंड, कोई उसकी जगह, कोई उस उन बच्चों की जगह कोई वापस ले नहीं सकता, कोई पूरी नहीं कर सकता. लेकिन वॉट वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट एजुकेशन इन आर कंट्री एज मच एज वी कैन, और उन वालदेन के दुख का अजाला कर सकते हैं. एनी वेज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू टूडेज व्लॉग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़.